नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, राजा महाराजाओं वाला फरमान आया और बच्चा कोल्हू में पिरवा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड एक जघन्य अपराध था। ऐसे अपराध एक सभ्य समाज में नहीं होने चाहिए। इसके जो भी दोषी हैं, उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में एक न्यायिक सिस्टम है। पुलिस का काम है कि वो अपराधियों को पकड़कर अदालत के हवाले करे। फैसले अदालत लेती है, लेकिन आज के समय में पुलिस खुद फैसले लेने लगी है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम हिटलर शाही की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं एसटी हसन ने कहा, राजा महाराजाओं वाला सिस्टम लौट आया है कि फरमान आता था और जन बच्चा कोल्हू में पिरवा दिया जाता था। न्यायपालिका को नजरअंदाज कर किसी को सजा देना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को वो तरीके अपनाने चाहिए जो कानून के हिसाब से सही है। माफिया को मिट्टी में अगर मिलाना है तो अदालतें मिलाए। सरकार किसी को मिट्टी में नहीं मिला सकती, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार तो अपराधी को पकड़कर अदालत के हवाले करे और फिर चाहे तो अदालत उसे फांसी की सजा दे। आगे सपा सांसद ने कहा कि जितने भी जघन्य अपराध होते हैं जिनमें मौत तक की सजा हो सकती है, उन्हें अदालतें सजा दे, इस तरह से एनकाउंटर ना करे। एसटी हसन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का भी समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा है। हालात और जिस तरह की इंजरी उसे हुई है उससे यही लगता है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। सपा सांसद ने इसकी जुडिशियल जांच की मांग की और कहा कि ये पता चलना चाहिए कि ये एनकाउंटर फर्जी है या सही है। एसटी हसन से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान को खत्म किया जा रहा है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मजहबी एनकाउंटर बताया है। तो कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे यानी कि सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।